अठारवा सवाल ले रहे तो माइनस वन हो गया डी, तो माइनस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में, तो ए हो गया 253, ए 253 और डी माइनस पांच जो यहां प्लस पांच था, और एन 20, बीसवां पद, तो पीछे से गिन लिया हमने तो बीसवां, और ए एन ज्ञात करना है, ए एन यानी ए 20, ए 20 ज्ञात करना है, सूत्र वो आप लोगों के सामने ऊपर पहले से प्रिंट है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। आइए गिराए, ए एन मीन्स ए 20, ए 20, ए आगे बोलो बच्चों, हाँ ए 20, कम ऑन ए 20, ए 253 प्लस एन माइनस वन 20 माइनस वन इंटू डी माइनस फाइव, 253 प्लस 19 और गुणा किससे हुआ, माइनस पांच से, तो 253 माइनस 95, 19 पंजे 95 में, तो ये 158, 158। अब बच्चों 95 में गुणा करना है ना, कितना 95 में माइनस करना है, 100 माइनस 153, और ये क्या किया 100 माइनस कर दिए, तो 5 ज्यादा कर दिया, 5 वापस जोड़ दो 158। अब बच्चों कैसे भी आप प्लस माइनस कर लो, आया 158, उतार लीजिए जल्दी से। 17वां 16वां सवाल, और ये सब कुछ एक जैसे हैं, उतारते रहिए उतारते रहिए। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ये वो ए और डी वाला समीकरण बन जाएगा तीसरे चैप्टर की तरह से, खुद हल कर सकते हैं। 15वां सवाल, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये और ये के एनवे पद बराबर होंगे, और बच्चों ये जो 13वां 14वां जो सवाल है ना, 13वां 14वां ये कीमती सवाल है, अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो आइए हम पहले 13वां और 14वां सवाल आप लोगों को समझा दें। 13वां और 14वां तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, और 14वां है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। पुनः पुनः सुनिए, तीन अंकों वाली कितने संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, और 10 और 250 में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये दोनों कीमती सवाल है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो पहले इनको हल कर रहे हैं, बाकी बचे हुए सवाल आप खुद निकालना बच्चों, इसी तरह के हैं, एक दो हम और ले लेंगे बचे हुए वक्त में, पहले हम 13वां 14वां तो करना ही।